गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सिक्स. एक्सरसाइज 1.5. राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द नंबर 1 to 20, यानी 1 से लेकर 20 तक रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं. ठीक है, 1 ऐसे लिखा जाता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे लिखा जाएगा, और 20 इस तरीके से. यानी 1 से 20 तक लिखना था, हमने इसको कंप्लीट कर दिया. 1, 2, 3 इस तरीके से आप करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज रोमन नंबर्स. हिंदू अरेबिक में लिखा है, आपको क्या करना है, इसको रोमन में लिखना है. देखिए एक दो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, बाकी खुद से करिएगा. देखिए 23 है, यानी 10, 10, 20 हो गया, 1, 2, 3 23 हो गया. 26 लिखना है तो 10, 10, 20 5 ऐसे लिखा जाता है, 1, 6, 29 लिखना है, 10, 10, 29 ऐसे लिखा जाता है, 29 हो गया. यानी इस तरीके से आपको लिखना है. आप चाहो तो इन्हें अलग भी दिखा सकते हो. जैसे 23 हमें लिखना है तो 10, 10, 20 या 10 plus 10 plus 10 20 1 plus 1 plus 1 इस तरीके से भी दिखा सकते हो, लेकिन ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट है, आप ऐसे ही करिए. इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी वैसे ही करना है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको लार्जर नंबर्स हैं उनको देखना है. उसको लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, रोमन नंबर में 1 ऐसे लिखा जाता है, 5 ऐसे लिखा जाता है, 10 इस तरीके से लिखा जाता है, L का मतलब होता है 50, अगर कहीं L दिख रहा है तो यानी 50, ऐसे दिख रहा है तो 10, ऐसे दिख रहा है तो 100, ऐसे दिख रहा है तो 50, 500 और इस तरीके से दिख रहा है तो 1000. इन सबको अगर ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा. देखिए अब हमें C का मतलब 100 होता है, D का मतलब 500 होता है, M का मतलब होता है 1000, तो बहुत ही आसान हो जाता है इसको समझने के बाद. देखिए हमें 137 लिखना है तो 137 लिखना है. 100 को हम C से लिखते हैं, C का मतलब 100 हो गया. 30 को हम लिख सकते हैं 10, 10, 10, 30 हो गया, और 7 को 5, 6, 7, यानी C ये 10 और 6, 7, 5, 6, 7 इस तरीके से हम लिखेंगे. इसी तरीके से अगर हमारा 174 है तो पहले 100 होता है, फिर 70, फिर 4, तो यानी 100 को हम C लिखते हैं और 70 को हमारा 50, 60, 70 और प्लस 4 का मतलब, 4 का मतलब ये, यानी CLXX4. देखिए इसमें सेकंड में भी मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए थे, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन बताए, बाकी खुद से करिएगा. 400 है, 500 है, तो आप उस तरीके से करेंगे. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, यानी इस तरीके से लिखा है, रोमन्स में लिखा है, आपको इस तरीके से लिखना होगा. ठीक ना, हिंदू अरेबिक में. देखिए जैसे ये नंबर है, ये कितना है, 10, 10,
21, ये कितना है, 5 माइनस 1 यानी 4, ये हो गया 24th। आप ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर आप जैसे चाहो 10 को अलग कर लो फिर अलग अलग दिखाओ, कोई मतलब नहीं है उसका। जैसे देखिए ये L इस साइड x लिखा है, इसका मतलब हुआ ये हो गया 40, और ये कितना है, इतने का मतलब 40 हुआ, और ये कितना 5 1 6, यानी ये कितना हो गया 46। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन करेंगे। मैंने दो क्वेश्चन आपको बता कर दिए, बाकी खुद से सॉल्व करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, गिव रीजन इन ईच केस। देखिए जैसे पहला है, 100 के पहले 5 लिखा है, तो ये क्या है, एक मीनिंगलेस है, क्योंकि ये जो 5 होता है कैन नॉट बी रिटन टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड कभी भी नहीं लिखा जाता है, किसी भी सिंबल के लेफ्ट साइड नहीं लिखा जाता। इसमें पूछा है रीजन भी देना है, तो आप यहाँ मीनिंगलेस लिखेंगे और उसके बाद रीजन देंगे। ये भी मीनिंगलेस है क्योंकि जो फर्स्ट है वो कभी एल के पहले नहीं आता है, एल में कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होता है। इसी तरीके से थर्ड देखते हैं, ये भी मीनिंगलेस है, थर्ड भी मीनिंगलेस है क्योंकि 4 कभी नहीं आता है। फाइव कैन नॉट बी रिटेन फॉर द लेफ्ट ऑफ द सिंबल, 5 को कभी भी 5 के लेफ्ट में नहीं लिखा जाएगा, यानी ये भी क्या है, मीनिंगलेस है। और भी खुद से सर्च करिए, जैसे फिफ्थ है, इसमें फोर टाइम्स आया है, कभी भी जो 10 होता है वो 4 टाइम्स नहीं आता है, वो 3 टाइम्स ही आता है। बाकी खुद से देखिएगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।